जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत 12 सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन सभी अधिकारियों पर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हुई हिंसा को भड़काने का आरोप है। बर्खास्त किए गए लोगों में कश्मीर यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इनके अलावा शिक्षा, रेवेन्यू, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के संविधान के आर्टिकल 126 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य पुलिस ने इन अधिकारियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का ब्यौरा तैयार किया था, जिसे राज्य के प्रमुख सचिव के पास भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों को इन लोगों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी में अशांति बरकरार है। यहां 104 दिनों से कर्फ्यू जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि हिंसक झड़पों में अब तक 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राज्य में फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, उससे निपटने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है और इन 12 अधिकारियों पर कार्रवाई भी उसी का नतीजा है। देखते रहिए डीबी लाइव।